नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, किसी भी महिला के दिल में जगाए अपने लिए प्यार। किसी भी महिला के दिल में जगाए अपने लिए प्यार, मात्र 15 से 10 मिनट में। आज मैं एक ऐसी शक्तिशाली प्रक्रिया मैं बताने जा रहा हूं, ऐसी एक उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय के जरिए से आप किसी महिला का दिल को आप जीत सकते हैं, उसके दिल में आप अपना प्यार को जागृत कर सकते हैं। तो बहुत ही शक्तिशाली उपाय। यदि आपको कोई महिला पसंद नहीं करती है, आपका घर का हो, आपके अड़ोस पड़ोस हो, और आप महिला के प्रति काफी आकर्षित होते हैं, महिला को काफी दिल से आप चाहते हैं, लेकिन उसकी दिल में आपके नाम पर प्यार नहीं हो पाता है, उसके दिल में आप अपना प्यार को जगा नहीं पाते हैं, तो आप काफी परेशान हो जाते हैं। चाहे वो आपकी पत्नी हो, चाहे आपकी कोई भी हो, आपको कैसे उसके दिल में आप अपना प्यार को जगाइएगा, कैसे आप उसके दिल में अपना प्यार का जगह बनाइएगा, ये सारे उपाय मैं बताने जा रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखें, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए बनी रहे। मित्रों, वीडियो को बिना स्क्रिप्ट किए हुए, बिना भगाए ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि छोटी छोटी बात जो है चुक कर जाती है और आपको बात समझ में नहीं आती है और आपका क्रिया, आपका जो टोटका, वो सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए आप वीडियो पर ध्यान से सुने, तभी जाके इस प्रक्रिया को अपनाएं। यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दें और बगल में बेल घंटी को जरूर ऑन कर दें, ताकि आप मेरे सारे वीडियो को पहले देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको इस बहुत ही आसान उपाय, बहुत ही आसान टोटके हैं, और इतने शक्तिशाली टोटके मैं बताने जा रहा हूँ कि ये टोटके के द्वारा आप जो है किसी भी महिला को दिल को आप जीत सकते हैं। तो मित्रों, आपको करना क्या है, आपको एक सफेद आक का पौधा को तलाश करना है। सफेद आक, जिसको अपवन का भी पौधा कहा गया, मदार का भी पौधा कहा गया है, तो एक सफेद आक का पौधा और एक काला धतूरा का पौधा, ये दो पौधे की आपको तलाश आपको करना है। अगर नहीं तलाश हो पाती है, तो कहीं से भी एक सफेद आक या सफेद आप काला धतूरा का पौधा को आप खरीद करके भी ला सकते हैं। लाने के बाद में उसको करना क्या है, अगर घर में लेके आते हैं तो उसको विधिवत तरीके से पूजा पाठ दोनों पौधे का कीजिएगा, और नहीं तो अगर बाहर में अगर आपको मिल जाती है तो आपको सुबह सुबह सोमवार के दिन में ये क्रिया करना है। सोमवार के दिन में एक लोटा जल में थोड़ा सा आपको हल्दी, थोड़ा सा रोढ़ी और थोड़ा सा सिंदूर डाल करके सुबह सुबह नहा धो करके आपको उस पौधे के पास चले जाना है, दोनों पौधे के पास, और जा करके दो अगरबत्ती सामने जला करके भगवान भोलेनाथ की ध्यान करके, भगवान शिव की ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप करते हुए आप जो है उस जल को उस पौधे पर डाल देना है, दोनों पौधे पर डाल करके एक सांस में प्रयास कीजिएगा उस पौधे को उखाड़ लेना है, दोनों पौधे को एक सांस में उखाड़ लेना है, और दोनों को जड़ी को थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिएगा, काट करके अब पौधे को वहीं छोड़ दीजिएगा। दोनों जड़ी को काट करके ले आ करके आपको क्या करना, गंगा जल से शुद्धिकरण करके आपको चले जाना किसी भी भगवान भोलेनाथ की मंदिर में। भगवान भोलेनाथ की मंदिर में जा करके आप उस दोनों जड़ को शिवलिंग के ऊपर रख करके कच्चा गाय का दूध उस पर अभिषेक करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको 108 बार जाप कर लेना है। जाप करने के बाद में दोनों जड़ी को जो है या तो लाल कपड़े में सिलाई कर लीजिए, और नहीं तो लाल धागे से उसको लपेट करके आप अपने बाजू में या गले में धारण कर ले। उसके बाद किसी महिला से अगर आप बात करते हैं, तो आपसे बात करते ही वो महिला के दिल में आपका नाम का प्यार जाग जाएगी,
वो आपके बिना नहीं रह सकती है, वो महिला आपको छोड़ना पसंद नहीं करेगी। और हर महिला का दिल को आप जीत सकते हैं, इसकी इतनी शक्तिशाली पावरफुल उसके अंदर में शक्ति होती है। इस शक्ति के जरिए से आप जो है किसी का भी महिला का दिल को आप जीत सकते हैं। बहुत ही अचूक प्रभावशाली टोटके है, वशीकरण के बहुत ही प्रभावशाली उपाय है, इसको आप अवश्य अपना करके देखें। इसी आशा रुबित के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता रानी।